गुड मॉर्निंग। आज दिन है सैटरडे, शनिवार, और तारीख है 22 है शायद, 22 ही है शायद। हाँ, और आज बात करती हूँ वक्त वक्त पे, और वही अपनी थोड़ी शायरी पे और थोड़ी कहीं कुछ और। देखिए, इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। इंसान अगर वक्त भूल जाता है ना, और फिर वो सोचता है जो मैं हूँ वही कुछ है, नहीं। देखिए, जिंदगी में इंसान पे वक्त आता है, एक बार नहीं आता, कई बार आता है, क्योंकि ऊपर वाला उसे वक्त देता है कि देख संभल, देख संभल। वो फिर भी नहीं संभलता तो वो एक बहुत बड़ा नादान इंसान होता है, हैं? और उस वक्त में अगर किसी ने साथ दिया है तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए इंसान, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इंसान को। वो सोचो कि उस किसी ने अगर तुम्हारा साथ दिया है तो उसने अपने ऊपर भी कोई बात ली होगी। लेकिन हाँ, एक बात भी है, इंसान सच्चाई, कोई कोई इंसान सच्चाई का भी साथ देता है। बात करते हैं सायरा जी की। अब आप बताइए, अर्शिया साथ में आ रही हैं, जा रही हैं, आप अर्शिया का चैनल देखिए। मैंने उनका चैनल देखा, उनकी वीडियो देखी अर्शिया की। कोई भी इंसान आज के माहौल को देखते हुए अगर मैंने वो वीडियो बनाई है या कहा है तो कहीं गलत नहीं कहा। और बात रही अर्शिया की, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, इंटेलिजेंट बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। जिंदगी के बहुत फैसले होते हैं, बड़े और छोटे। छोटे फैसलों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़िंदगी में जो बड़े फैसले होते हैं वो बहुत सोच समझ कर ही किए जाते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और बदल देते हैं तो फिर हमें ज़िंदगी भर की टीस देकर चले जाते हैं। टीस देकर चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है अर्शिया, बहुत प्यारी बच्ची है, और आपका अमीन भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। फिर मैं कह रही हूँ कि अगर कहीं ना कहीं अब फिर आप देखिए, एक बात बताऊँ मैं सायरा जी, साफ कह रही हूँ, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आप झूठ बोल रही हैं, यहाँ आप झूठ बोल रही हैं, 199% झूठ बोल रही हैं, क्योंकि कि इनकी मम्मी ने मेरा वीडियो देखा था और मुझे कॉल की थी। अक्षय से मेरी जब जान पहचान हुई है, वो कुछ भी कैसे भी हुई है, लेकिन यहाँ आप जो आपने अपनी आप अपनी बात से मुकर रही हैं, क्योंकि आपने वीडियो में कहा है, आप जो भी कह रही हैं गलत कह रही हैं इस टाइम, मतलब झूठ बोला है आपने ये बात। इस बात से मुझे तकलीफ़ हुई है आपकी, मैं आपको बताऊँ, मुझे अंदर से तकलीफ़ हुई है कि यार नहीं, झूठ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। अब जो लवर होते हैं ना वो अंधे होते हैं, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ मैं भी झूठ नहीं बोल रही सायरा जी, मैं भी झूठ नहीं बोल रही। और बात रही देखिए, अब मैं तो उम्र नहीं छुपाती, मेरी तो 52 साल की उम्र है, लोग कहते हैं लगती भी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी 52 साल की उम्र है, ठीक है। 72 का जन्म है मेरा, 15 जुलाई 72 का मेरा जन्म है, ठीक है। शादी कर देनी चाहिए बच्चों की, अब आपको अली की शादी आपको कर देनी चाहिए, जी हाँ। कहते हैं ना कि फल भी टाइम से आता है पेड़ पर, हर चीज़ की एक उम्र होती है। ज़िंदगी के अगर 30 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर 20 साल जब बच्चों को पालने पोसने में निकल जाता है, तो 20 साल 50 साल के बाद आदमी थका, गरीब नवाज। मैं भी गई हूँ दो बार हो आई हूँ मैं, फिर कभी बुलाएंगे, उनका बुलावा होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ये देखिए, बुलावा होता है, आपकी पूरी तैयारियाँ रखी रह जाती हैं अगर आपको कहीं जाना नहीं है। फिलहाल मैं केदारनाथ का प्रोग्राम बना रही हूँ मई के पहले सप्ते में, देखिए अगर जा सकी तो, बाबा ने बुला लिया तो पूरी सब कुछ दिखाऊँगी मैं वहाँ का। अभी तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही है बहुत, कपाट खुलते हैं वहाँ गर्मियों में 2 या 3 महीने के लिए बस। तो मैं इतना ही कहूँगी, मैं
सोचती रही, सोच रही थी आपके बारे में सायरा जी, यही बहुत कुछ सोचा। अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप शायद नहीं लेंगी, हम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई बात होगी तो मैं बेबाक तरीके से आके सोशल मीडिया पे कहूँगी, जैसे मैंने कल कही। जी हाँ, वो बच्ची बहुत प्यारी है, मैं आमीन से कहूँगी, वो बच्ची बहुत प्यारी है, कुछ भी बात है, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची है। और मैंने अर्शिया का चैनल देखा, सब्सक्राइब किया, देखा करूँगी, वो बच्ची अच्छी लगी मुझे, जैसे मुझे सब अच्छी लगती है, इब्राहिम फैमिली की लड़की सबा बहुत प्यारी लगती है, बहुत मासूम, बहुत भोली लड़की है वो सबा इब्राहिम। दीपिका कक्कर भोली नहीं है, जो उनकी भाभी है दीपिका कक्कर, वो भोली नहीं है, वो सीधी नहीं है, बहुत तेज है, लेकिन सबा इब्राहिम बहुत प्यारी, बहुत भोली बच्ची है। उसकी मम्मी इस उम्र में भी देखिए आप कितनी, मतलब एक शर्मिलापन, एक वो हर चीज़, क्या वो मतलब बच्चे नहीं पाले उन्होंने, नहीं, उनका एक घर का जो माहौल है ना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो बहुत प्यारी बच्ची है वो भी, और बहुत अच्छी, मतलब अब तो मैं काफ़ी देखने लगी हूँ, और थोड़ा मकान बन के मेरा निमट जाएगा तो फिर तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। देखो बच्चों की मैंने शादी टाइम से कर दी है, और जल्दी भी नहीं की, देखिए लड़की की शादी मैंने 28 साल की लड़की की शादी की है, लड़के की जल्दी हो गई, लड़के की जल्दी शादी हो गई, क्योंकि उसने अपनी पसंद से की है, पसंद लड़की ने भी की है, लेकिन उसने अच्छी तरीके से अपने रिलेशनशिप को खूब अच्छी तरीके से परखा है, 6-7 साल उसके बाद शादी की है। लेकिन बेटे की जल्दी हो गई, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बच्चों को दोनों को अलग अलग दे दिया है, सब कुछ कर दिया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हैं बच्चे। इसलिए यही कह रही हूँ कि टाइम से अब शादी कर देनी चाहिए आपको अली की। मैं राय नहीं दे रही आपको, मैं अपने दिल की इच्छा बता रही हूँ, मैं राय देने वाली आपको कौन होती हूँ, मैं एक बता रही हूँ हर इंसान को। फिर सोशल मीडिया पे आके अपनी दिल की बात कहने का हक है, ये मैंने आज बांधा है सिर में, मेरे दर्द हो रहा है आज, मैं किचन का दरवाज़ा बंद करना भूल गई, उससे ना हवा आती है रूम में, और ये सब मेरे सिर में दर्द हो गया, जब सिर में हवा लगती है तो दर्द हो जाता है। आज ज़्यादा नहीं कहूँगी कुछ भी, इतना ही कहूँगी, बस कि आदमी को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए, अपना टाइम नहीं भूलना चाहिए, कि किस टाइम कौन था साथ में, कौन नहीं था और क्या हुआ था। वक्त भूल के आदमी अगर भूल के आगे बढ़ता है तो उससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं होता। आदमी को अपना वक्त जरूर याद रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वक्त द्वारा नहीं आता, फिर आ जाता है, एक वक्त जब आ जाता है फिर इंसान जब उसे समझ जाता है कि इस टाइप का है, फिर कोई साथ नहीं देता। तो आदमी को वक्त और टाइम अपना नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत पिंच हुई बात, इसलिए मैंने ये बात मैं बराबर कह रही हूँ आपसे, सायरा जी बस बहुत अच्छे हैं आप, मैं ये नहीं कह रही, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, वैसे भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं ये बात आपने कैसे गलत बोल दी, और आपने ये बात झूठ बोल दी है, मैं फिर बार बार कहूँगी, ठीक है। आपको फिर मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट, ओके बाय।